May I now request His Excellency, the Honorable Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, Mr. Imran Khan, to kindly address the gathering. إياك نعبد وإياك نستعين. جناب Air Force Chief Zaheer Ahmed Babar Sahib, Federal Ministers, Services Chiefs, हमारे Chinese guests, officers, मैं सबसे पहले तो आज अपनी कौम को मुबारक देना चाहता हूँ कि तकरीबन 40 साल के बाद, 40 साल पहले F-16 हमें अभी भी याद है कि जब इंडक्ट हुए थे हमारी एयरफोर्स में, तो पाकिस्तान में एक बड़ी खुशी की लहर भागी कि हम अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं लेटेस्ट एरोप्लेन से एयरफोर्स के अंदर. और उसके बाद अब ये जो आज हमने डिस्प्ले देखी है J-10C की, ये हमारी कौम को इसलिए हम मुबारक देते हैं कि अनफॉर्चुनेटली एक इम्बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है हमारे बरे सगीर में, और उस इम्बैलेंस, सिक्योरिटी इम्बैलेंस को एड्रेस करने के लिए ये एक आज अल्लाह का करम है कि ये एक बहुत बड़ी एडिशन हुई है हमारी डिफेंस सिस्टम में. मैं इसके लिए चाइना का ख़ास तौर पे शुक्रगुजार हूँ, अपनी कौम की तरफ से चाइना का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने पूरी रिकॉर्ड टाइम गालिबन 8 महीने के अंदर ये हमें जेट्स प्रोवाइड किए हैं, जबकि इसका काफ़ी साल लगते हैं. और दूसरा, मैं एयर चीफ, आपको जो भी आपने बातें की हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस तरह की मॉडर्नस थिंकिंग हमारी आर्म फोर्सेस के अंदर आ गई है, क्योंकि जो आपने टेक्नोलॉजीज़ और आने वाली जो फ्यूचर वॉरफेयर है उसके ऊपर, तो अब टेक्नोलॉजी के ऊपर ख़ास तौर पे जोर दिया जाएगा. तो जो भी मेरी आपसे मुलाकात हुई कि आपने, आपसे हमने डिस्कस किया कि हम अब कैसे अपना मुल्क का रुख मोड़ सकते हैं इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज़ डेवलप करने के लिए, जिसके लिए हमने टेक्नोलॉजी जोन सेटअप किया, हमने आपके साथ मिलके एक इंशाल्लाह जो एक यूनिवर्सिटी बना रहे हैं जिसमें सारी मॉडल टेक्नोलॉजीज़ होंगी. और मैं ये भी समझता हूँ कि हमारा मुल्क बड़ा खुशकिस्मत है कि हर किस्म का प्रोफेशन, हर फील्ड के अंदर क्वालिटी प्रोफेशनल्स पाकिस्तानीज आज अवेलेबल हैं, लेकिन अभी मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं. तो जैसे जैसे पाकिस्तान आगे बढ़ता जा रहा है, स्टेबल होता जा रहा है, इकोनॉमिकली साउंड होता जा रहा है, हमारा डायरेक्शन सीधा होता जा रहा है, हम अपने सिस्टम्स ठीक कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये भी सारा टैलेंट हमें अवेलेबल होगा. मेरा ये मान है कि मुल्क में हम हर किस्म का इंटरनेशनल क्वालिटी का इदारा बना सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारे पास ये अवेलेबिलिटी है बाहर एक पूल ऑफ प्रोफेशनल्स की, कि जब भी हम इंशाल्लाह इस मुल्क में जिस तरह ये आगे बढ़ेगा, हम उनको वापस ला सकते हैं. मुझे पाकिस्तानी कौम की तरफ से आज अपनी आर्म्ड फोर्सेस को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि हमें बड़ा कॉन्फिडेंस है कि हमारे पास ऐसी आर्म्ड फोर्सेस हैं जो हमारे मुल्क का दिफा कर सकती है. हमें ये कॉन्फिडेंस है कि कोई भी पाकिस्तान की तरफ अगर देखेगा अग्रेशन के लिए, तो उनको पता होगा कि उनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा. जो पुलवामा में के बाद जब बालाकोट पे अटैक हुआ, तो जो पाकिस्तान का जिस तरह का रिस्पांस था, एक सारी दुनिया में पैगाम गया कि हमारे में पूरी कैपेबिलिटी अपनी हिफाजत करने के लिए. आपको मैं ये एहसास आज दिलवाना चाहता हूँ कि असल में आपकी आर्म्ड फोर्सेस की ताकत तब बनती है जब सारी कौम उनके पीछे खड़ी हो.
आर्म्ड फोर्सेस उस मुल्क की तकड़ी होती हैं जब कौम और आर्म्ड फोर्सेस एक ही तरह सोच रहे हो। तो आज हमारी कौम, मैं ये अपनी कौम की तरफ से कहना चाहता हूँ कि ये जो बड़ी कुर्बानियाँ दे के हमने ये पिछले 2003-4 के बाद ये जो बड़ा मुश्किल जंग लड़ी है, एक आमने सामने दुश्मन से जंग और होती है, लेकिन जब इस तरह की जो वॉर ऑन टेरर के अंदर चैलेंजेस हमारे सामने आए, ये बहुत मुश्किल जंग होती है। उजड़ गए हम मुल्क, अब देखें इराक के अंदर क्या हुआ, सीरिया में क्या हुआ, तो मुल्क उजड़ जाते हैं। लेकिन जिस तरह हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने और पब्लिक ने जिस तरह ये सामना किया, तो ये एक दुनिया के अंदर एक पैगाम गया है कि ये वो मुल्क है जो अपनी हिफाजत कर सकता है। तो मैं आज बड़ी खुशी का इसलिए इजहार करता हूँ कि मुझे अभी जो डिस्प्ले देखी है, मुझे कॉन्फिडेंस और आ गया है कि हम इंशाल्लाह कोई भी हमारे ऊपर किसी किस्म का दबाव नहीं डाल सकता। पाकिस्तान जब बना था, और मेरी उम्र पाकिस्तान जितनी है तकरीबन, कि एक आज़ाद मुल्क तो सिर्फ आज़ाद रह ही तब सकता है, खुददार रह ही तब सकता है जब अपनी वो हिफाजत कर सके। तो मैं आखिर में अपनी गवर्नमेंट की तरफ से आपको जो आखिर में मैसेज देना चाहता हूँ वो ये, अल्लाह का करम है, हमारी रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हुई है, हमारे टैक्सेस बढ़ते जा रहे हैं, और जिस रेट पे हमारे टैक्सेस बढ़ रहे हैं, एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ रही हैं, बाहर से रेमिटेंस हमारे पास आ रही है, वेल्थ क्रिएशन हो रही है पाकिस्तान में, जैसे जैसे हमारा पैसा बढ़ेगा, मुल्क की आमदनी बढ़ेगी, तो दो तरफ हमारा पैसा जाएगा। पहली प्रायोरिटी कि अपने मुल्क में गुर्बत कम करनी, अपने निचले तबके पर पैसा खर्च करना, हेल्थ कार्ड जैसा जो कि डेवलप्ड मुल्क के अंदर भी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज नहीं, हर ख़ानदान को ये जो 10 लाख की इंश्योरेंस देना, और फिर एहसास प्रोग्राम्स के नीचे से लोगों को ऊपर उठाना, और दूसरा जैसे जैसे हमारे पास वेल्थ क्रिएशन होगी, इंशाल्लाह अपने डिफेंस के ऊपर हम खर्च करेंगे और मजबूत करने के लिए। क्योंकि असल में तो जब एक असल आपकी ताकत यह है कि कोई आपको जंग लड़नी ना पड़े, कि लोगों को ये पता चल जाए कि इनके पास इतनी तैयारी है कि जब अगर वो उनके ऊपर किसी किस्म की एग्रेशन करेंगे तो उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो इंशाल्लाह इन दो तरफ हम अपना पूरा अगला जो हमारी बजट की प्रायोरिटीज़ डालेंगे। मैं स्क्वाड्रन 15 को आपको भी आज एक्नॉलेज करता हूँ, क्योंकि जो हमने डिस्प्ले देखी और ये जो आपने रिकॉर्ड टाइम पे ये नए एयरक्राफ्ट्स के ऊपर जो काबू पाया, तो आपको भी मैं आज अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक यू।